हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉथी मेड्स द स्केयरक्रो की बुक रीडिंग पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आंसर क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ, इसका आंसर पेज नंबर 8 पे है। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ड्रॉथीज पेट कार्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज ही। ड्रॉथीज पेट इज कार्ड टोटो एंड ही इज डॉग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द स्केयरक्रो इन द फील्ड, पेज नंबर 9 का है इसका आंसर। इट इज देयर टू स्केयर द बर्ड्स, यहाँ वाज लिखे लेकिन आपने वाज की जगह इज लिखना है। इट इज देयर टू स्केयर द बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ड्रॉथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो, इसका आंसर भी पेज नंबर 9 पे है। शी लिफ्ट्स द स्केयरक्रो ऑफ द पोल, शी लिफ्ट्स लिखना है आपने, शी लिफ्ट्स द स्केयरक्रो ऑफ द पोल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द स्केयरक्रो डू टू हेल्प ड्रॉथी, द स्केयर क्रो हेल्प्स ड्रॉथी बाय कैरिंग हर बास्केट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द स्केयर क्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर, द स्केयर क्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज काइंड एंड पोलाइट। ओके, तो द स्केयर क्रो इज काइंड एंड पोलाइट बिकॉज ही हेल्प्स ड्रॉथी। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द स्केयरक्रो इज अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच, बिकॉज अ लाइटेड मैच कैन बर्न हिम। क्वेश्चन नंबर 9, द स्केयरक्रो सेज दैट ही डजंट हैव अ ब्रेन, इज इट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन। ओके, इसका आंसर है द स्केयरक्रो सेज दैट ही डजंट हैव अ ब्रेन, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स के सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, द स्केयरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड, ट्रू। द स्केयरक्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, फॉल्स। द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी, फॉल्स। ड्रॉथी हैज अ डॉग कॉल्ड कोको, फॉल्स। द स्केयरक्रो इज वेयरिंग अ ब्लू हैट, ट्रू। उसके बाद है एक्सरसाइज बी है वर्किंग विद वर्ड्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, आर यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवल्स। आपने ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनके आगे आ या एन लिखना है। जैसे आ रोड, आ गार्डन, आ पेन, आ ब्रेन, एन आई, एन ऑरेंज, इस तरह से। उसके बाद है विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस ऑफ मल्टी सिलेबिक वर्ड्स इन योर नोटबुक। मतलब ये जो वर्ड दिए हैं इनमें से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जिसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं होंगे, आपने उसकी स्पेलिंग को करेक्ट करके लिखना है। जैसे फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, सबके स्पेलिंग करेक्ट हैं। फ्राइड, इसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, इसके स्पेलिंग होते हैं FRIED, फ्राइड। उसके बाद है इस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे एक्स आता है, EXCUSE, एक्सीडेंट, ये भी ठीक है। डिसाइडेड, देखिए यहाँ एस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे सी आता है, DECIDED। डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिजर्टेड। उसके बाद है क्विकली, क्यू, क्वाइटली। Quietly के यहाँ स्पेलिंग गलत है, CUQUIETLY। क्वीन एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी दिस वर्ड, ईच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर, फॉर एग्जाम्पल W इन राइट एंड K इन नो, साइलेंट लेटर्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड बट आर नॉट प्रोनाउंस, राइट द वर्ड इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स।
यानी कि इनमें से जो साइलेंट लेटर्स हैं, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट बोलते हैं, जैसे कि इसमें W को हम साइलेंट बोलते हैं, जैसे सॉर्ट, और यहाँ पे रॉन्ग W साइलेंट होता है, आंसर में भी W साइलेंट होता है, यानी कि जो साइलेंट लेटर्स हैं उनके नीचे आपने अंडरलाइन कर देने हैं। नी के नीचे अंडरलाइन किया, नो यहाँ पे भी के नीचे अंडरलाइन किया, नाइफ के नीचे, राइट जी के नीचे, लाइट जी के नीचे, एंड फ्राइड जी के नीचे। ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। दिस इज पुट राउंड एन एरिया टू कीप थिंग्स इन और आउट, यूजली मेड ऑफ वुड। इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमने बताना है कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पे ये एक एरिया के इर्द गिर्द लगाया जाता है ताकि चीज़ों को अंदर और बाहर जाने से रोका जा सके, और ये आम तौर पे लकड़ी का बना होता है। तो वो क्या चीज़ होती है, उसे कहते हैं फेंस। दिस इज़ वर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ। इसे हेड पर रखा जाता है ताकि गर्मी से बचा जा सके, और वो क्या चीज़ हो सकती है, हैट। अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड एंड अ राउंड हेड एट द अदर। मेटल का यानी कि धातु का एक पतला सा टुकड़ा जिसका एक पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है, और जबकि दूसरे पे एक गोल सा हेड होता है, वो क्या कहलाता है, पिन। दीज लुक लाइक लार्ज माइस। ये जो बड़े से चूहों की तरह दिखते हैं, दे हैव लॉन्ग टेल्स एंड पॉइंटेड स्नाउट्स, और इनकी लंबी जो है वो दुम होती है। तो ये क्या होते हैं, रैट। उसके बाद ये नाउन की डेफिनेशन दी हुई है, नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग लाइक अहमद लाहौर etc. उसके बाद राइट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपने जो बुक रीडिंग पढ़ी है उसको एक लिहाज से अरेंज करना है आपने बुक रीडिंग को। ये बुक रीडिंग में से उठा के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इनको अरेंज करके लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। सेकेंड नंबर पे द बस डिड नॉट कम, और थर्ड नंबर पे अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन। फोर्थ नंबर पे द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। फाइव नंबर पे द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। सिक्स पे द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी, और सेवन पे द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम। उसके बाद है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जिनके जो पहले पहले लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जबकि कॉमन नाउन्स में पहले लेटर कैपिटल नहीं होते। इसलिए जो प्रॉपर नाउन होंगे ना, आपने उनके गिर्द सर्कल कर देने, और जो कॉमन नाउन्स होंगे उनके नीचे आपने अंडरलाइन कर देने। प्रॉपर नाउन जिनके पहले वर्ड कैपिटल लेटर वाले होते हैं, जैसे सारा, पाकिस्तान, कराची, ईद, ये सारे हैं प्रॉपर नाउन। इनके पहले लेटर्स देखें, ये सारे हैं, जैसे फेस्टिवल, रिवर, कंट्री, और ये लास्ट वाला गर्ल, ये सारे हैं कॉमन नाउन्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बाय मैचिंग द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। ये आपको दिए गए कॉलम, आपने इन कॉलम को मिलाना है। जैसे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं ये, जैसे आप देख, दे हैव मेट यू बिफोर, हैव नॉट दे, वो पूछ रहे हैं कि वो आपसे पहले मिल चुके हैं क्या, नहीं मिल चुके। लेट अस सी वेदर ही इज इन, शैल वी, यू आर इन द टीम, आर नॉट यू। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम टीम में हो क्या, तुम नहीं हो, वो जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं उससे। दे आर वेरी ब्राइट, वो बहुत चमकदार है, आर नॉट दे, क्या वो नहीं है। इट हैज़ बिन स्टॉलन, हैज़ नॉट इट, वो खो चुकी है क्या, नहीं खोई। डोंट टेल एनीवन, विल यू, इज आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, डोंट यू। उसके बाद ये लास्ट पेज पे हैं नंबर्स, यानी कि यहाँ आपको वर्ड्स में दिए गए नंबर्स, आपने इनको नंबर्स में लिख देना है, जैसे 10, 10, 30, 30, 20, 20, 40, 40, 50, 50, आपने इनको नंबर्स में लिखना है। और यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 1 को one, T को TW और 2 वगैरह। उसके बाद लिखना है ये है व्हाट कम्स नेक्स्ट, राइट नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि 60 है, 60 के बाद क्या आता है, 61, 80 के बाद आता है 81, 100 के बाद 101, 70 के बाद 71, 90 के बाद 91। तो इसी तरह हमारी जो ड्रोथी मेड्स द स्केयर क्रो की जो बुक रीडिंग है वो, सॉरी, एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आप इसके लिए चैनल को आप लाइक कर दें, आप
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।